सलमान खान पुलिस की गाड़ी का क्यों पीछा कर रहे हैं? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग काफी ज्यादा तेजी से हो रही है और इसके लिए कई बड़े बड़े सेट भी बनाए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये फिल्म सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है और इसका बजट भी काफी बड़ा है। हाल ही में फिल्म के सेट से अतुल अग्नोत्री ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो एक पुलिस की गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको पोस्ट करते हुए अतुल लिखते हैं कि 53वां दिन, मतलब ये शूटिंग के 53वें दिन का वीडियो है। गौरतलब है कि पहली बार नहीं किसी तरह का वीडियो या फोटो भारत के सेट से वायरल हुआ है, बल्कि फिल्म के सेट से फोटोज तो सामने आती ही रहती। बता दें, फिल्म की शूटिंग के लिए हाल ही में लुधियाना में बनाए गए फिल्म के सेट के सामने सलमान और कैटरीना की फोटो भी सामने आई थी। गौरतलब है कि 20 दिन में लुधियाना में बाघा बॉर्डर की सेट बनाकर तैयार किया गया। फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि हर साल ऐसा होता है। इस फिल्म में सलमान कैट के अलावा तब्बू, जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रोवर, दिशा पटानी, आसिफ शेख, म्यांग शोंग और नोरा फतेही भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को अली अब्बास जफर निर्देशित कर रहे हैं जो कि सलमान के साथ हर बार सुपरहिट साबित हुए हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर डालने के पीछे सलमान खान का या और उनकी टीम का क्या उद्देश्य है।